हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेस्टीज में हाउस फंड कब मिलना शुरू होता है और हाउस फंड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउस फंड तब मिलना शुरू होता है जब डाउन लाइन में 6 लेग से ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कराते हैं और अपनी सेल्फ परचेजिंग मिनिमम 4 TPV करते हैं और 3 महीने तक लगातार 6 लेग से 2001 PV मेंटेन करते हैं, तब चौथे मंथ से हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है। वेस्टीज में हाउस फंड मैक्सिमम 1 लेख रुपीज़ पर मंथ मिलता है। हाउस फंड कंपनी के मंथली टर्नओवर का 3% कैलकुलेट किया जाता है। फिर हाउस फंड पॉइंट वैल्यू निकाली जाती है। उसके बाद क्राउन डायरेक्टर एंड अबव लेवल्स के बिजनेस के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि वेस्टीज में हाउस फंड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मान लेते हैं आप सेल्फ में 100 PV करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर ग्रुप 2500 PV करते हैं, सेकेंड डायरेक्टर ग्रुप 5000 PV करते हैं, थर्ड डायरेक्टर ग्रुप 2001 PV करते हैं, फोर्थ डायरेक्टर ग्रुप 4500 PV, फिफ्थ डायरेक्टर ग्रुप 4000 PV, सिक्स डायरेक्टर ग्रुप 3000 PV करते हैं और साइड लेग से जो 10% में है वो 700 PV करते हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट डेप्थ होगी सेल्फ और साइड लेग, जिसका 6% के अकॉर्डिंग पीवी पॉइंट्स मिलेंगे जो होते हैं 48 पॉइंट्स। सेकेंड डेप्थ होगी 6 की 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग, जिसकी 5% के अकॉर्डिंग डीबी पॉइंट्स मिलेंगे जो होते हैं 1050.05 पॉइंट्स, यानी टोटल डीबी पॉइंट्स होते हैं 1098.05। करंट में हाउस फंड पॉइंट वैल्यू चल रही है 40 पैसे। बिजनेस वॉल्यूम है 18 रुपीज़। हाउस फंड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डीबी पॉइंट्स इंटू हाउस फंड पॉइंट वैल्यू इंटू बिजनेस वॉल्यूम। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हाउस फंड निकलता है 7905.96 रुपीज़। आई होप आपको हाउस फंड की कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।